हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं जिसको बनाना बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, झटपट आप इसे रेडी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। तो ये हमने ले लिया है एक कच्चा आलू। आलू को हमने धो लिया है, इसको हमें छील लेना है। तो कच्चे आलू से ही आज रेसिपी बनाएंगे जो झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो आप इसको ना बहुत ही जल्दी रेडी कर सकते हो। अगर सुबह भी बनाना चाहते हो ना तो बहुत ही आसानी से और झटपट रेडी कर सकते हो। तो पूरे आलू को हमने छील लिया है, इसे एक बार और साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो आलू को हमने धो लिया है, अब इसे हमें कट करना है। तो इसको ना हम इस तरीके से रफली ही कट कर लेंगे। देखिए, कोई शेप में एक बराबर आलू को कट करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से रफली ही कट कर लेना है। अब एक साफ मिक्सर जार में हम लेंगे दो लहसुन की कली, आधा इंच अदरक, जो आलू को हमने काट के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है, इसे एक बोल पे शिफ्ट कर लेंगे। ये आधा कप हमने सूजी ली है, रवा सेमोलिना जिस भी नाम से जानते हो, तो ये बारीक वाली सूजी हमने ली है। दो चम्मच इसमें हम डाल देंगे बेसन, जो घर में चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना उसी चम्मच से हमने दो चम्मच बेसन ले लिया है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। तो ये सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। नाश्ते में ना हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे नाश्ते का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये हमने आधा कप पानी लिया है, पानी ना जरूरत के हिसाब से हम डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक बार में है ना हमें एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो हमने जो आधा कप पानी लिया था ना उसमें से आधा पानी हमने इसमें डाल दिया है। अभी ना हम इसको ढककर एक साइड रख देंगे और तब तक आगे तैयार कर लेंगे। तो गैस पर हम कढ़ाई में लेंगे, आधा कप नमक लिया है ये हमने, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये नमक है ना आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका है ना इसका कुछ और इस तरीके की रेसिपी बनाना चाहते हैं या फिर कुछ बेक करना चाहते हैं ना, तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, इसे किसी भी डिब्बे में स्टोर कर सकते हो। तो नमक को ना हम गर्म होने देंगे। अभी देखिए नमक है ना बर्तन में इस तरीके से चिपक रहा है, और जब ये गर्म हो जाएगा ना तो ये चिपकेगा नहीं, तो ये इसकी निशानी है कि नमक आपका जो है ना वो गर्म हो गया है। और ये इतनी मजेदार रेसिपी है ना कि आपको ये नमक दोबारा बार बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बढ़िया रेसिपी है कि आप रोज बना के खाना पसंद करोगे। तो देखिए नमक हमारा गर्म हो चुका है और देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो ये हमने ले लिए है एक कप पोहे। पोहे को हमने साफ कपड़े से पोंछ लिया है और साफ कर लिया है इसको, कि जो धान वगैरह जो भी डस्ट होता है ना वो निकल जाए इसका। तो पोहे को हम इसमें डालेंगे, लेकिन एक साथ सारे पोहे नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसको चलाते हुए इस तरीके से ही हमें पकाना है। तो इसको ना हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर इसको चलाना आप छोड़ दोगे ना तो पोहे रोस्ट होने की जगह पे जल जाएंगे, इसीलिए इसको चलाते हुए ही भुनेंगे जिससे कि ये जले ना। तो देखिए इसको हमने चलाते हुए रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। कलर इसका देख सकते हो हल्का चेंज हो गया है। तो बस इसे हमें बाहर निकाल लेना है, इस तरीके से छन्नी में डाल के निकालेंगे जिससे कि नमक हमारा ना आए, सिर्फ पोहे पोहे आए। तो इस तरीके से ना इसको छान लेंगे। देखिए तो नमक बिल्कुल भी हमारा इसमें रहेगा नहीं, सिर्फ पोहे ही रहेंगे। देखिए तो इसको हमें एक बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। तो ऐसे ही ना बाकी के जो बचे हुए पोहे हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हमें चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। बस ध्यान रखना है ना कि आपको ना चलाना नहीं छोड़ना है, बहुत तेज आंच पर इसको रोस्ट नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। अगर वैसे अगर आप ये पोहे को अगर तेल में फ्राई करते हो तो कितना ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब हो जाता है, कितना ज़्यादा ऑयली हो जाता है। यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम और इस तरीके से नमक में रोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए दूसरे जो हमने पोहे डाले ना बचे हुए, उसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें इसका चेंज नहीं करना होता है। और आप चाहें तो उसको चखकर या खाकर भी देख सकते हो, एकदम लाइट वेटेड हो जाएंगे रोस्ट होने के बाद। तो बस सेम उसी तरीके से ना हमें इसे छान लेना है। तो ये रेसिपी अभी हमारी पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है, गैस को हमें ऑफ नहीं करना है। अभी हमने हाफ कप लिए है मकई के पोहे। मार्केट में ना बहुत ही इजीली मिलते हैं, आपने मोस्टली नमकीन में देखा होगा इसको और खाया भी होगा। तो ये नमकीन में ना बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको भी ना चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को सेम उसी तरीके से लो टू मीडियम पर ही करना है।
तो वैसे आप नमकीन में ये पोहे खाते होंगे और आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा ऑयली होता है। इसको कभी नमकीन में रोस्ट करके नहीं डाला जाता है, लेकिन हम आपको इसको रोस्ट करके बता रहे हैं। इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है रोस्ट करने के बावजूद भी। तो इसको भी हमने चलाते हुए रोस्ट कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हो पहले से लाइट हो गया है रोस्ट होने के बाद। तो इसे भी बस हमें नमक से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से छन्नी में डालते हुए। तो इसे भी इस तरीके से छान लेंगे। तो देखिए अगर नमक अगर आपका लाल भी हो जाता है ना तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खराब नहीं होता है, आप इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हो। अभी हमने 2 से 3 चम्मच लिए है कच्ची मूंगफली के दाने, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये मूंगफली को भी हम फ्राई नहीं करेंगे, इसे भी हमें नमक में रोस्ट करना है। और यकीन माने आप है ना ये मूंगफली को नमक में एक बार रोस्ट करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप देखते होंगे मार्केट में भी जो ठेले वाले होते हैं रेडी वाले होते हैं उनके पास भी होती है इस तरीके से नमक में रोस्टेड मूंगफली, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये मूंगफली को भी हमने रोस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो इसे भी हम नमक से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से जो सॉल्टेड मूंगफली है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी हमें छान लेना है कि जैसे कि जो नमक है ना वो बाहर निकल जाए छन्नी से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए जो हमारे रोस्टेड पोहे हैं देख सकते हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी है, इसकी खनक सुन सकते हैं है ना, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। अब जो हमारे मकई के पोहे है रोस्टेड वो भी आपको दिखा देते है ना एकदम क्रिस्पी। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, रोस्टेड मूंगफली को भी डाल देंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और आगे तैयारी करेंगे। अब हमने गैस पर एक तड़का पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है। तेल का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ये हमने 2 हरी मिर्च ली है बारीक कट करके, वो इसमें हम डाल देंगे। मिर्च को हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। तो मिर्च को थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया है जिससे कि इसका जो भी पानी है ना उसका गीलापन वो खत्म हो जाए। अभी हमने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। तो इसको भी हमें थोड़ी देर फ्राई कर लेना है ताकि जो कड़ी पत्ते का भी मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। तो बस थोड़ी देर इसको हमने फ्राई कर लिया है, गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये जो हमने तड़का रेडी किया है ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये तड़के को ना ठंडा करके फिर ही हमें इसमें डालना है। अभी हमने थोड़ा सा काला नमक लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए जो हमारे नमकीन है ना सारे पोहे वगैरह वो है ना इतने ज्यादा सॉल्टी नहीं है, नमक अभी थोड़ा कमी है उसमें, इसीलिए थोड़ा सा हमने इसमें काले नमक का इस्तेमाल किया है। अब जो हम घर में नमक खाते हैं व्हाइट सॉल्ट उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पहले आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नमक की ज़रूरत है तो डालें, अगर नहीं लगता है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हो। इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको आगे रीजन बताएंगे कि तेल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो कहा था कि बहुत ही हेल्दी नमकीन बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी नमकीन है, अगर ये सारी चीज़ों को आप तेल में फ्राई करते हैं तो कितना ज़्यादा तेल यूज़ होता, कितना ऑयली हो जाता और तेल का खर्चा अलग से होता। और यहाँ पे ना आप चाहे तो 1 चम्मच तेल का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको तुरंत बना के खाना चाहते हो ना नमकीन को, तो फिर आप क्या कर सकते हो, मिर्च को ऐसे ही काट के डाल सकते हो, कड़ी पत्ते को थोड़ा रोस्ट कर लीजिए तवे पर और उसको फिर क्रश करके इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से बिना तेल का आप 0 ऑयली नमकीन बना सकते हो। और आप को खुद को पता होगा कि मार्केट में इस तरीके का बिना तेल का नमकीन लेने जाओ तो कितना ज़्यादा महंगा मिलता है। उसी नमकीन को आप घर पर बहुत ही सस्ते में बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। और घर पर नमकीन बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर मार्केट से आप हेल्दी नमकीन भी लेके आते हो ना, लेकिन फिर भी वो इतना हेल्दी नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, लेकिन अगर आप घर पर बनाते हो तो घर में एकदम हेल्दी नमकीन बनता है। तो ये नमकीन को ना आप पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसे किसी भी 8-8 डिब्बे में अच्छे से पैक करके रखें। तो आप सफर में जाते हो तो आप इसको ले जा सकते हो, शाम की हल्की फुल्की भूख में इसको खा सकते हो, बच्चों को टिफिन में देना चाहते हो नमकीन इस तरीके से, कुछ इसमें नट्स भी डालना चाहते हो ना तो वो भी डाल सकते हो और बच्चों को दे सकते हो। जैसे कि मखाने हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, वो सभी चीजों को आप रोस्ट करके इसमें डाल सकते हो। तो मार्केट का महंगा नमकीन घर पर सस्ते में बनाए वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से। अब ये हमने गैस पर एक पैन में ना थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच सफेद तिल लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, 1/2 प्याज हमने लिया है कट करके, 3 से 4 लहसुन गले डाल देंगे, 1/2 इंच अदरक,
तो सभी चीजों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम एक हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये हमने एक टमाटर ले लिया है कट करके, तो इसको भी थोड़ी देर हमें पका लेना है। तो थोड़ी देर हमने इसको और पका लिया है, टमाटर जो है ना वो भी हमारे इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमने आगे की तैयारी करी ना, तब तक जो सूजी है ना हमारी वो भी फूल गई है। सूजी का नाश्ता बनाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट रखना जरूरी होता है ताकि सूजी जो है ना वो फूल जाए। तो देख सकते हैं काफी ये गाढ़ा हो गया है हमारा जो बैटर है। तो जो हमारा पानी बचा हुआ था ना वो हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो जैसे कि कहा कि पानी है ना हमें बहुत ही ध्यान से ही डालना है, पूरा पानी डाल देंगे। तो पूरा हमने इसमें आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब ये हमने कुछ सब्जी ली है, तो ये हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक कट कर लिया है, एक प्याज को बारीक कट करके ले लिया है, छोटे साइज की प्याज थी ये, थोड़ी सी हमने धनिया ली है, एक हरी मिर्च इसको भी बारीक कट कर लिया है, और एक टमाटर है, टमाटर भी छोटी साइज का था उसे भी हमने बारीक कट किया है। सब्जी में ना आपके पास जो भी सब्जी हो या फिर आपको जो भी सब्जी पसंद हो ना वो भी ले सकते हो आप। दो चुटकी डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप तीखा ले सकते हो। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है। अगर जरा सी भी आपको पसंद आती है ना तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक जरूर करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बस इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं किया है लेकिन एकदम पतला भी नहीं कर देना है। तो ये जो सभी चीजें हमने फ्राई करके रखी थी ना वो भी सभी ठंडी हो गई है, तो इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जैसा भी तीखा खाते हो ना उतना आप डाल सकते हो। 1 से 2 चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे पानी, और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है, इसे कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स कितनी मजेदार ये चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई। बिल्कुल आसान है इसको बनाना, खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, किसी भी नाश्ते के साथ आप इसे खा सकते हो। अभी हमने गैस पर एक तवा ले लिया है, तवे को थोड़ा गर्म कर लिया है। इसमें ना हम हल्का सा तेल लगा लेंगे तो बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनने वाला है। आप तेल की जगह पे ले सकते हो घी या फिर बटर। अब जो हमारा बैटर है ना उसको हम इसमें डालेंगे, तो जितने साइज का बनाना चाहते हो ना उतना आप बैटर ले सकते हो। इसको ना हमें हल्का हल्का सा फैलाना है इस तरीके से। तो बस इसको हमने फैला दिया है, देखिए बहुत ज्यादा पतला नहीं फैलाया है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है। तो इसको ना थोड़ी देर पकने देंगे। अगर इसको ना जल्दी पकाना चाहते हो तो इस तरीके से ढककर पका सकते हो, जैसे कि बहुत ही जल्दी बनेगा नाश्ता। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लिया है, ये देखिए ऊपर से ना पूरा ड्राई हो गया है। अब है ना ऊपर से भी हम हल्का सा तेल लगा लेंगे जिससे कि पलटे ना तो दूसरी साइड भी अच्छे से पके। तो अब इसको हम पलट लेंगे, ध्यान से पलटना है, और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो दूसरी साइड भी ना इसी तरीके से हमें पका लेना है। गैस के फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है और दूसरी साइड है ना हम ढककर नहीं पकाएंगे, इस तरीके से खुले में ही पका लेंगे, क्योंकि थोड़ा ना इसको हमें अलटते पलटते ही पकाना है और इस तरीके से थोड़ा दबाते हुए पकाएंगे। तो इसको ना थोड़ी देर पकाने के बाद फिर से पलटेंगे, देखिए, और इस तरीके से हल्का हल्का दबाएंगे। तो ऐसे ही ना पलटते हुए ही हमें दोनों साइड से सेकना है। पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, बस ध्यान रखना है बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो तुरंत ही ना जल जाएगा। तो इसको हमने अलटते पलटते दोनों साइड से सेक लिया है, बहुत ही अच्छे से सेक चुका है, देख सकते हैं दोनों साइड से ही। तो बस इसे तवे से बाहर निकाल देंगे और इसी तरीके से दूसरा भी रेडी करेंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ही मजेदार और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा बना है, देखने में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम गोल्डन, देखिए है ना बहुत ही बढ़िया। तो इसको ना आप इसे चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बिना चटनी के भी अगर आप दही अचार के साथ खाना चाहें ना तब भी खा सकते हो। और ये जो चटनी बनाई है ना ये भी इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है ना, अगर सब्जी नहीं है ना आपके पास तो रोटी के साथ ये चटनी खा सकते हो, इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा से पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपको मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।